हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आप लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज कब से लाने वाले। तो बच्चों, आपका इंतजार अब खत्म हो गया है, बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है। आपको मंडे से रेगुलर रूप से इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज मिलेगी, वो भी चैप्टर वाइज। एक एक चैप्टर से हम जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको सेलेक्ट करते हुए आपको सारे वो प्रश्न प्रोवाइड करवा देंगे जो कि एग्जाम में बिल्कुल 100% मिलने वाले होंगे। और ये सीरीज केवल 10th और 12th के बच्चों के लिए ही होगी, और 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए जो रेगुलर वीडियो आपका चल रहा है उसी टाइम टेबल पर चलता रहेगा, उसमें वहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं मिलेगी। और ये 10th का और 12th का जो हमने क्वेश्चन सीरीज बनाई है उसको हम मंडे से आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो किसी को अब कोई समस्या वाली बात नहीं है। और जो टाइम टेबल इसका होगा उसके टाइम टेबल का भी हम कुछ अलग नियम बनाए, मतलब उसका भी टाइम टेबल कुछ अलग होगा, क्योंकि ये जो रेगुलर वीडियो आ रहा है उसका टाइम टेबल तो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। और ये मानो कि आपको ये साइम मीटिंग में कोई हम टाइम शेड्यूल कर देंगे और उसी टाइम पर आपको ये वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहां से, जिसके लिए आज यहां पर हम लोग खड़े हुए हैं। प्रयक्ता हमें पढ़नी है, और प्रयक्ता में पढ़ना है एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, संपूर्ण प्रयक्ता का प्रमेय पढ़ना है, और बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट आपका यह है वेज थ्योरम। इसमें से 100% एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ना है, और इसके बाद एक्सरसाइज 13.3 के ये प्रश्नों को आपको यहां पर हल करना है, ठीक है। ये लास्ट वाली क्लास में, जैसा कि आपको पता है, 13.2 एक्सरसाइज हमने कवर करवाई थी, और उसके हमने 3 वीडियो बनाई, क्योंकि ये बड़ा एक्सरसाइज है, 3 वीडियो बनाए हैं, 3 पार्टों में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। और यदि इन प्रश्नों को अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के उनको आप जरूर कंप्लीट कर लें, बहुत ही मजेदार बढ़िया से प्रश्न है, ठीक है। तो उन 3 वीडियो दिए हमने, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, उसको लिंक से क्लिक कर लें या आई बटन दबा के उस पर आप जाएं और उन वीडियोज को आप जरूर देख लें, ठीक है। तो आज अब हम स्टार्ट करते हैं प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन क्या है, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक प्रतिदर्श समष्टि एस का विभाजन, देखिए प्रतिदर्श समष्टि एस का विभाजन का मतलब है ये घटनाएं E1, E2, E3, EN तक जो भी घटनाएं हैं वो प्रतिदर्श समष्टि एस के विभाजन को निरूपित करती हैं, तब यदि ये कंडीशन तीनों लागू हो। तो ये कौन कौन सी कंडीशन है, EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू फाई होना चाहिए, मतलब इन दोनों कोई भी दो घटनाओं का जो इंटरसेक्शन है उसका मान कितना होना चाहिए, फाई होना चाहिए। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो घटनाएं हैं इन दोनों कोई दो घटनाएं के बीच, दोनों घटनाएं कैसी हैं, युग्मतः असंयुक्त घटनाएं हैं, और जब असंयुक्त घटनाएं होती हैं तब उनका इंटरसेक्शन कितना होता है, फाई होता है, ठीक है। आपको यह भी याद रखना है कि आई और जे बराबर बराबर नहीं है, और आई और जे का मान 1, 2, 3, 4, 5 एन तक कुछ भी हो सकता है। एक दूसरी कंडीशन नंबर दूसरा क्या है, दूसरी ये है कि ये जो आपकी E1, E2, E3 सारी घटनाएं हैं इनका सबका यूनियन निकाला जाए तो सैंपल स्पेस बन जाएगा, एस बन जाएगा। ये भी आपको पक्का होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि E1, E2, E3 ये आपकी विभाजन कर रही है एस प्रतिदर्श समष्टि को। और तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि इनकी सभी घटनाओं की जो प्रयक्ताएं हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ये भी कंफर्म है। तो यहां पर अगर ये तीनों बातें लागू होती हैं तो हम कह सकते हैं कि E1, E2, E3 और EN तक जो भी घटनाएं हैं वो प्रतिदर्श समष्टि एस को विभाजन करती हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्रतिदर्श समष्टि एस का विभाजन। तो देखिए इसको एक उदाहरण से हम समझाते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक घटना है ए, और इसकी एक पूरक घटना है उसको हम ए डैश लिख लेते हैं। तो ये दोनों घटनाएं किसी सैंपल स्पेस एस की घटनाएं हैं, निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि ए और ए डैश इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये फाई होगा, क्योंकि ए और ए डैश का इंटरसेक्शन फाई क्यों होगा, आपको पता है ए डैश का मतलब है जो ए में नहीं है। हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई, एक कंडीशन आपकी ये हो गई। और दूसरी वाली कंडीशन देखो ये है कि ये दोनों जो घटनाएं हैं ए और ए डैश इसका अगर हम यूनियन निकालें तो सैंपल स्पेस एस बन जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं ए यूनियन ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा।
और ये दोनों की प्रायिकताएं तो नॉन जीरो है ही है। हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि जो घटना ए और ए डैश दो घटनाएं हैं वो सैंपल स्पेस एस को विभाजित करती हैं। ठीक है, इसका एक और दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे हम ये माने कि किसी भी पांसे को फेंकें और पांसे को फेंकने पर हमें जो प्रतिदर्श समष्टि मिलेंगे, जो प्रतिदर्श समष्टि मिलता है वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हम प्रतिदर्श समष्टि लिख लेते हैं जब किसी भी पांसे को फेंकते हैं। तब पांसे को फेंकने पर एक प्राप्त हो सकता है या दो मिल सकता है या तीन मिल सकता है या चार या पांच या छह। तो प्रतिदर्श समष्टि मिलेगा कितना, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसमें से दो घटनाएं बना लेते हैं। मान लेते हैं एक घटना है इवन और इवन वो घटना है जिसमें ये विषम वाला अंक मिल रहा है, मतलब 1, 3, 5 मिलता है। और मान लेते हैं एक दूसरी घटना E2 घटना है, उसमें वो अंक मिल रहे हैं जो सम अंक हैं, 2, 4, 6 लिख दें। अब आप ये बताएं कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, इवन इंटरसेक्शन E2 निकालें, तो क्या इसको हम कह सकते हैं भाई पक्का, क्योंकि यहां पर कोई भी अवयव एक दूसरे को नहीं मिल रहा है, मतलब ये असंयुक्त दोनों घटनाएं कैसी घटनाएं हैं, असंयुक्त घटनाएं हैं। दूसरा पॉइंट, अगर इन दोनों का हम यूनियन कर दें, मतलब इवन यूनियन E2 लिख दें, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं सैंपल स्पेस एस मिल जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल हमें मिल जाएगा जो कि एस में है। तो हम कह सकते हैं कि इवन यूनियन E2 बराबर एस हो जाएगा। और ये भी निश्चित कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है वो भी निश्चित रूप से नॉन जीरो है, मतलब शून्य से बड़ी ही निकलेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका E1 और E2 दोनों घटनाएं कैसी घटनाएं हैं, सैंपल स्पेस S को विभाजन कर रही हैं। पक्का समझ में आया। अब इसके बाद आगे बढ़ना है, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय पढ़ना है, चलिए उसको देख ले। तो अब देखते हैं संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। इसमें लिखा है, मान लेते हैं E1, E2, EN ये सारी घटनाएं प्रतिदर्श समष्टि एस का एक विभाजन है, और ये E1, E2, E3 जितनी भी घटनाएं हैं ये सारी घटनाएं इनकी प्रायिकता नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। और साथ ही साथ एक और बात माननी है कि A प्रतिदर्श समष्ट S के संगत एक दूसरी कोई घटना है, उस प्रतिदर्श समष्ट S की जो A घटना है उसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रायिकता A घटना की प्रायिकता बराबर हम ज्ञात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब घटना E1 के घटने की प्रायिकता, इंटू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि इवन घटना घटित हो चुकी हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि E2 घटना घटित हो चुकी हो, और डॉट डॉट उसी प्रकार बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि घटना EN घटित हो चुकी हो। तो इस तरीके से आपको देखो एक वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। यहां पर एक कोई ये सैंपल स्पेस, इसको यहां पर बना दें, ये सैंपल स्पेस S है, और यहां से अगर हम E1, E2, E3 इस S का विभाजन बना दें, तो यहां पर मान लेते हैं कि एक ये और ये आपका कोई इस तरीके से इसमें यहां पर हम इसको विभाजित कर दें, और यहां पर ये घटना मान लेते हैं E1 है, ये यहां पर E2 घटना है, इतना ये E2 है, और यहां पर ये मान लेते हैं एक तीसरा आपको एक और कोई ये आपकी घटना माननी है, इस घटना को हम नाम देते हैं ए, और ये ए घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि E1, E2 ये यहां पर डाल देते हैं, E3 यहां से यहां तक पहुंचेंगे, EN ये सारी E1, E2, E3 किसी सैंपल स्पेस की क्या है, विभाजन है, और ए जो है ये ए, इस ए की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो घटना ए के घटने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी PE1 इंटू में PA/E1, मतलब ए की प्रायिकता जबकि E1 घटना घटित हो चुकी हो, प्लस PE2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि E2 घटना घटित हो चुकी हो, प्लस एंड डॉट डॉट इसी प्रकार से अंत में प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि E1 घटना घटित हो चुकी हो। तो यहां पर इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इसका हम लिख देते हैं प्रूफ। देखो प्रूफ में यहां पर हम लिख देते हैं, हमें पता है कि E1 घटना, E2 घटना, E3 घटना, ये पूरी टोटल मिला के जो भी EN तक जो भी घटनाएं हैं वो
सैंपल स्पेस एस को विभाजित करने वाली घटनाएं हैं, मतलब सैंपल स्पेस एस का विभाजन करती हैं, एस का विभाजन करती हैं, विभाजन करती हैं, तब हम निश्चित रूप से ऐसा लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू में ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री यूनियन डॉट डॉट ई एन ई एन। ठीक है, एक बात और समझनी है, घटना ए के लिए, घटना ए के लिए जो घटना ए है उसके लिए आपको समझना है कि अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर होगा ए इंटरसेक्शन एस, कितना होगा ए इंटरसेक्शन एस। देखो ध्यान दें, ए इतना है और ये पूरा टोटल मिला के एस है, तो यहां से अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एस में और ए में जो उभयनिष्ठ है वो कितना है, ए है ना, तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन एस। अब ए बराबर ए इंटू इंटरसेक्शन एस और एस की ये वाली वैल्यू रख देते हैं, एस बराबर लिख देते हैं ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री डॉट 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 ई एन यूनियन ई एन। अब यहां पर देखो, आपने पढ़ा होगा समुच्चय में कि ए इंटरसेक्शन और अगर यहां पर ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री डॉट डॉट यूनियन ई एन तक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ई वन, ए इंटरसेक्शन ई वन और यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू और यूनियन, इसी प्रकार से आगे ले जाओ, यहां इसको लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ई यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर हम इसको इस प्रकार लिखें और आगे अब आपको क्या लिखना है, देखो ध्यान दें, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब क्या करें, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू यूनियन और डॉट डॉट यूनियन ए इंटरसेक्शन ई एन। तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको यहां पर हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू में, यहां पर अलग अलग सबकी प्रोबेबिलिटी क्योंकि यूनियन है तो यहां पर प्लस करके हम जोड़ देते हैं, यहां लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू और प्लस डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन। आपको पहले से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई कैसे ज्ञात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई या हम ऐसे लिख लें ए बाई ई वन बराबर कैसे निकालते हैं, यहां निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीपल करें तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यू इंटरसेक्शन ई वन और बराबर में हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसके जगह पे देखो, इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, ये लिखना है, तो यहां पर देखिए आगे आओ तो मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन, इसके स्थान पर आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन प्लस, यहां पर देखिए इसको क्या लिखोगे, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू और इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू और प्लस डॉट डॉट यहां लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई एन। ठीक है, तो ये हमारा संपूर्ण प्रयक्ता का प्रमेय है, घटना ए के घटने की प्रयक्ता बराबर होगा घटना ई वन के घटने की प्रयक्ता इंटू में घटना ए के घटने की प्रयक्ता जबकि घटना ई वन घटित हो चुकी है प्लस घटना ई टू की प्रयक्ता इंटू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब घटना ए की घटने की प्रयक्ता जबकि घटना ई टू घटित हो चुकी है प्लस एंड डॉट डॉट और इसी प्रकार
घटना EN के घटने की प्रायिकता इनटू में घटना A की प्रायिकता जबकि घटना EN घटित हो चुकी है। तो यहां पर इस प्रकार से संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय मतलब इन सभी का योग बराबर हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर, ठीक है। तो इसका हम एप्लीकेशन करते हुए अब आपको वेज थ्योरम पढ़ाएंगे। जो वेज थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस वेज थ्योरम को पढ़ने से के पहले आपको ये बात जरूर समझ लेनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब इसका संपूर्ण प्रायिकता का जो प्रमेय होता है वो क्या होता है, इसका प्रयोग हम करेंगे वेज थ्योरम में। तो चलिए वेज थ्योरम समझ लें। अब देखना है वेज थ्योरम क्या है। वेज थ्योरम के लिए आपको देखो किस इस प्रकार समझना है कि यदि E1, E2, EN अरिक्त घटनाएं जो कि प्रतिदर्श समष्ट S के विभाजन का निर्माण करती हैं, मतलब कहने का यह है कि E1, E2, E3, EN तक जो भी घटनाएं हैं वो प्रतिदर्श समष्ट S का विभाजन करती हैं, ये विभाजन घटनाएं हैं। और इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि E1, E2, EN तक जो भी घटनाएं हैं वो युग्मता असंयुक्त हैं, मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन फाई है। यहां पर एक बात और आपको समझनी है कि अगर ये E1, E2, EN तक जो भी घटनाएं हैं वो समस्त प्रतिदर्श समस्त S का विभाजन करती हैं, तो इसका अर्थ होता है कि E1 यूनियन E2 यूनियन EN तक जो भी हैं उनसे सबसे मिला के क्या बनेगा, सैंपल स्पेस S बन जाएगा। और एक ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता शून्येतर है, मतलब इसकी प्रायिकता शून्य नहीं है, तो घटना E1 की प्रायिकता जबकि घटना A घटित हो चुकी हो, कैसे ज्ञात करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, मतलब घटना A की प्रायिकता जबकि घटना E1 घटित हो चुकी है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है। देखो अभी हमने आपको संपूर्ण प्रायिकता का जो प्रमेय बताया वो यही तो बताया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 E A बाई E1 और अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं PA। अभी हमने बताया PA बराबर ये होता है ना। तो इस प्रकार से देखो इसको हम समझ लेते हैं एक उदाहरण से, तो ज्यादा आपको बहुत अच्छा सा मजेदार एकदम समझ में आ जाएगा। तो यहां से आपको देखो एक पहले तो ये समझना, जैसे कोई घटना E1 है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि घटना A घटित हो चुकी है, और बाय द वे अगर घटना E2 की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी हो तो यहां पर हम इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A, मतलब घटना A घटित हो चुकी हो तो घटना E2 के घटने की प्रायिकता बराबर, कैसे ज्ञात करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहां से देखिए E1 यहां था तब हमने यहां PE1 का गुणा किया, यहां पर E2 है तो यहां पर PE2 का गुणा करना है, और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 यहां लिखना है, और यहां पर वही लिखना है जो आपका लिखा हुआ है, मतलब PA का मतलब ये पूरा जो भी है उसको पूरा लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 और प्लस एन डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EN, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको याद रखना है कि जिस घटना के घटने की प्रायिकता आपसे पूछी जाए उसी को आपको ऊपर यहां रखना है, और नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी जो थ्योरम है उसी का ये रिजल्ट आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी आपने ये वेज थ्योरम पढ़ा, और इससे पहले आपने एक और थ्योरम पढ़ी है संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। इन दोनों थ्योरमों को समझने के लिए एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, और उसकी मदद से हम बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि कहां पर हमें टोटल संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय कहां लगाएंगे और कहां पर हमें वेज थ्योरम लगाना है। हालांकि वेज थ्योरम तभी लगा पाएंगे जब हम संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय लगाएंगे, और इसके बाद ही वेज थ्योरम हम लगाते हैं। तो यहां पर एक उदाहरण लेते हैं आपकी NCERT का, एक कोई एग्जाम्पल है 16, इसको पढ़ लेते हैं। देखो हमारे पास है यहां पर दो थैले यहां पर दिए गए हैं, थैला नंबर 1 और थैला नंबर 2। यहां पर लिखा है थैले 1 में 3 लाल और 4 काली गेंदे हैं जबकि थैले नंबर 2 में 5 लाल और 6 काली गेंदे हैं। किसी एक थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली गई
जो कि लाल रंग की है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई हो। यहां पर देखो हम थोड़ा सा सवाल को घुमाएंगे, पहले हम लास्ट में वास्तव में ये बेज थ्योरम का क्वेश्चन है और कैसे बेज थ्योरम का क्वेश्चन है ये भी आपको समझना है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो थैले दिए गए हैं और उस थैले दोनों थैलों में से एक बॉल निकाली जाती है किसी एक थैले से। अभी हमें थैला भी पता नहीं है हम किससे निकालें, हमने हाथ घुमाया और किसी एक थैले में हमने हाथ डाल दिया और उसमें से एक लाल बॉल निकल के आ गई, ठीक। तो वो लाल गेंद, एक बॉल जो निकल के आई वो लाल कलर की बॉल है, इसकी क्या प्रायिकता है, यहां तक पहले आपको समझना है। एक बार फिर से समझें, हमारे पास दो बैग हैं, बैग नंबर एक और बैग नंबर दो। इसमें बैग नंबर एक में कुछ लाल और काली कलर की गेंदें हैं और दूसरे बैग नंबर दूसरे में भी लाल और काली कलर की गेंदें हैं। हमने पता नहीं है कि किस थैले में हाथ डाला, यूं ऐसे हाथ घुमाया और किसी एक थैले में हमने हाथ डाल लिया अटेंडम और उसमें से हमने एक बॉल निकाली और वो बॉल हमारी लाल कलर की है, इसकी क्या प्रायिकता है, ये पहले आपको समझना है। देखिए हम एक फिगर बना के बताएंगे जिससे कि आपको बिल्कुल सारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई दो बैग हैं, मान लेते हैं पहला बैग है ये और एक ये आपका कोई दूसरा बैग है, ठीक है। इसमें से पहले वाले बैग में इसको हम बैग नंबर एक यहां दे देते हैं नाम, ये हो गया बैग नंबर एक और इसको हम डाल देते हैं बैग नंबर दो। तो यहां पर इस बैग नंबर एक में कुछ लाल कलर की और ये ब्लैक कलर की बॉलें हैं, लाल कलर की शायद कितनी बॉलें हैं, देखिए यहां पर लाल कलर की तीन बॉलें हैं और ये आपकी ब्लैक कलर की हैं वो चार बॉलें हैं, जबकि दूसरे वाले बैग में लाल कलर की जो बॉल हैं वो पांच हैं, लाल कलर की बॉल हैं पांच और आपकी जो ब्लैक कलर की बॉल हैं वो हैं छह, ठीक है। इसमें हुआ ये कि इन दोनों थैलों में से किसी एक थैले में से हमने हाथ डाला और उसमें से हमने लाल बॉल निकाल ली, एक बॉल निकाली और वो लाल कलर की हो तो उसकी क्या प्रायिकता है, हमें पहले इतना पढ़ना है, इतना कंप्लीट करना है। देखिए ध्यान दें, एक हम फिगर बनाएं और फिगर से आपको समझना है, ये सब कुछ बहुत आराम से समझ में आएगा। ये देखिए हमारे पास यहां पर हमने इस थैले से या इस थैले से हमने कोई एक लाल गेंद निकाली, उस लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता है ये हमें ज्ञात करना है। देखिए हो सकता है कि ये इस बैग से भी लाल गेंद मिलेगी क्योंकि इसमें भी लाल है और इस बैग से भी लाल गेंद मिल सकती है क्योंकि इसमें भी लाल बॉल पड़ी हुई है। तो किसी एक थैले से हमने लाल बॉल प्राप्त की और ये मान लेते हैं कि लाल बॉल प्राप्त करने के लिए हमने कोई घटना ए नाम दे दिया। ए माने क्या है, लाल बॉल आए उसकी ये घटना, इससे हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। अब आप समझें, अब हमें करना क्या होता है, हमें यह करना होता है कि यहां से हमने मान लेते हैं कि हमने थैला नंबर एक में अपना हाथ डाला, मतलब पहले हमने थैला एक को चुन लिया, हम दो थैलों में से किसी एक पहले थैले को तो चुनेंगे तभी तो हम उसमें से बॉल निकालेंगे। तो हमने मान लिया कि हमने थैले नंबर एक को पहले चुना, यह एक कोई घटना है, इसको हमने इवन नाम दे दिया, थैले नंबर एक को चुनने की घटना हमने इवन नाम दे दिया और थैले नंबर दो को चुनने के लिए हमने इसकी घटना को ई टू नाम दे दिया, ठीक। तो अब आप ये बता सकते हैं कि हमने थैला नंबर एक चुना उसकी प्रायिकता कितनी है, मतलब घटना इवन घटने की क्या प्रायिकता, इवन मतलब क्या हमने बताया, थैला नंबर एक चुने उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो थैला नंबर एक जो हमने चुना है उसकी प्रायिकता हो जाएगी, देखो ध्यान दें ये दो थैले हैं, दो थैलों में से किसी एक थैले को चुनने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। और इसी प्रकार से अगर हम थैला नंबर दूसरा चुनना चाहें तो उसके भी चुनने की प्रायिकता आपकी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि हमने पहला वाला थैला चुन लिया, तो जब पहला वाला थैला चुन लिया उस पहले वाले थैले से ए लाल, मतलब ए घटना घटे, मतलब लाल कलर की बॉल आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो आपको यह लिखना है कि हमने थैला नंबर एक तो चुन लिया है, ये देखो थैला नंबर एक तो चुन लिया है लेकिन ए घटना चुननी है, मतलब लाल गेंद आए उसकी क्या प्रायिकता है, ये आपको यहां पर लिखना है। देखिए ध्यान से समझें, हमने क्या करना है, लाल कलर की बॉल आए जबकि हमने थैला नंबर एक से वो लाल कलर की गेंद आए उसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, तो ये आपकी ये सह प्रतिबंधित प्रायिकता का क्वेश्चन बन गया। यहां से देखो आपको क्या करना है, इसमें से लाल कलर की बॉल आए तो
तो लाल कलर की बॉल है 3 और टोटल बॉल है कितनी 7। तो यहां से थैला नंबर 1 से लाल कलर की बॉल आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। अब आप यहां से आ जाओ, थैला नंबर दूसरा को हमने अगर चुना तो थैला नंबर दूसरे से भी लाल गेंद आ सकती है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखें ध्यान दें। हमने बताया कि आपने थैला नंबर दूसरे से लाल गेंद निकाली मतलब E2 घटना घट चुकी हो तब घटना A के घटने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, मतलब लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी जबकि वो सेकंड वाले थैले से निकाली गई हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। देखो यहां पर 5 हैं हमारी लाल बॉलें और टोटल 6, 5, 11 बॉलें हैं तो टोटल 11 से भाग करेंगे तो यहां से सेकंड वाले थैले से लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/11। ठीक है, अब इन दोनों रास्तों से हमें पहुंचना है लाल गेंद पर तो टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए इसका नाम भी है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, मतलब जितनी संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय है जितनी आपकी रास्ते हैं उनसे टोटल जगह पे हमें कहां पहुंचना है लाल बॉल पकड़नी है तो इस दोनों थैलों में से लाल गेंद निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो उनको देखो कैसे आपको कंप्लीट करना है, ये गुणे ये प्लस ये गुणे ये, इतना याद रखना है। यही हमने आपको वास्तव में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो पढ़ाई है वो यही पढ़ाई है कि आपको क्या करना है PE1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर प्रोबेबिलिटी भी लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और प्लस यहां देखिए PE2 और इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, बस समझो काम हो गया आपका, लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी आपकी टोटल ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर मान रख देना है 1/2 और इंटू में लिखना है 3/7 और प्लस इसी प्रकार ये आपका 1/2 इंटू में 5/11। ठीक है, अब इसके बाद और आगे देखो 3 × 3 या फिर ऐसे करते हैं कि 1/3 यहां लिख देते हैं। चलिए इसके सरल करने के लिए 1/2 दोनों जगह से आप कॉमन लें तो 1/2 कॉमन में आ जाएगा 3/7 प्लस में 5/11। ठीक है, तो बराबर में 1/2 और यहां 11 × 7 = 77 एलसीएम आ जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा 11 × 33 लिख दें प्लस 7 × 5 = 35 लिख दें। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 5 × 3 = 8 और 3 × 3 = 6 = 68 7 × 2 = 14 7 × 2 = 14 और 1 = 15। ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 × 77 बना रहने दें, 2 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 34 हो जाएगा और 77। तो ये हो गया लाल गेंद आने की प्रायिकता, दोनों थैलों में से किसी एक थैले से लाल गेंद आए तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 34/77 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बाद में अब आना है बेज थ्योरम पर, वो देखो कैसे अप्लाई करें। वास्तव में ये प्रश्न जो आपके एग्जाम्पल में 16 नंबर एग्जाम्पल है उसमें दिया गया है वो यही पूछा गया है। अब लाल गेंद तो देख लिया इसने कि लाल गेंद आए तो अब आपको ये बताना है कि लाल गेंद किस वाले थैले से आई। ये लाल गेंद तो आ गई लेकिन ये लाल गेंद इस वाले थैले से आई या इस वाले थैले से आई, इसके लिए हमें प्रश्न में पूछा जाएगा। तो प्रश्न आपका ये कह रहा है कि एक थैले से जो लाल गेंद निकाली गई वो हमने देख ली कि लाल गेंद है और वो लाल गेंद निकाली गई है वो थैले E2 मानी सेकंड वाले थैले से वो लाल गेंद निकाली गई हो तो उसकी क्या प्रायिकता है, मतलब इसको हम इसीलिए रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, मतलब इससे पहले वाली घटना कारण बताना है कि जिसके कारण वो लाल बॉल आई वो कैसे लाल बॉल आई किसमें से आई ये सारी कैसे कब मतलब कॉजेज हमें ढूंढना होता है। जो बेज थ्योरम होता है वो कॉजेज का पता करना होता है, कारण बताना होता है उसमें कि वो किसके कारण घटना घटी है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहां पर बतानी होती है। तो यहां पर प्रश्न नंबर इसमें एग्जांपल नंबर जो 16 हम कर रहे हैं 16 कर रहे हैं उसमें आपके सवाल में देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है, एक बार हम आपको फिर से पढ़ के बताएं। इसमें लिखा है कि किसी एक थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। देखो ये कंफर्म हो गया कि वो निकाली गई गेंद लाल रंग की है लेकिन इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह थैले सेकंड से निकाली गई, मतलब सेकंड वाले थैले से वो गेंद निकाली गई है उसकी क्या प्रायिकता है ये बताइए। अब देखिए समझे बात, लाल गेंद तो निकल गई ये पक्की बात है, इसका मतलब ये हुआ
कि घटना जो ए है वो तो घट गई, लेकिन वो घटना कहां से घटी है? सेकंड वाले बैग से। ये यहां पर लिख दें सेकंड बैग। सेकंड बैग को हमने काय से डिनोट किया है? E2 से। तो यहां लिख देते हैं E2 by A की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई। मतलब फिर से समझें, सेकंड वाले बैग की लाल, सेकंड वाले बैग से लाल गेंद निकाली गई है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब लाल गेंद तो निकली पक्का, ये तो डेफिनेट हो गया कि घटना ए घट चुकी है, जबकि वो घटना E1 E2 से घटी हो, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब ये सेकंड वाले बैग से लाल गेंद निकाली गई है, इसकी क्या प्रायिकता है? हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो आपको हमने अभी बेज थ्योरम जो पढ़ाया उसमें हमने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A कैसे ज्ञात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हमें लिखना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 और अपॉन में लिखना होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब आपको ये PA लिखना है, समझो ऐसे माने इसको लिखना है PA, इसको या PA कहें या पूरा एकदम लिखेंगे। बाय द वे यहां पर दो बैग हैं, बाय द वे एक तीसरा बैग और होता तो यहां पर एक तीसरी कंडीशन और बन जाती, तो यहां पर PE3 घटना और घटती होती, तो यहां पर प्लस करके और लिख देते PE3 इंटू में PA by E3, ऐसा और आगे एक स्टेप बढ़ जाता। तो यहां पर जो जितने रास्ते हैं टोटल रास्ते हैं उनको अब यहां पर लिखना होता है। तो अब इस प्रकार इसको अगर लिखना चाहें तो वैसे ही पूरा लिख दें, नहीं तो आप PA की वैल्यू हमने यहां पर इस प्रश्न में तो निकाल रखी है, तो आपको बिल्कुल ज्यों की त्यों रख देनी है। यहां पर PE2 क्या लिखना है? 1/2 लिखना है इंटू PA by 2 की वैल्यू लिखनी है 5/11 और अपॉन में ये टोटल मिला के वही लिख देते हैं कितना 34/77। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करें आंसर आ जाएगा। देखो 11 से इसको काट दें, 11/77 सात बार कटेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 7/5 35 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4 × 8 × 3 × 6 35/68 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने हम बताएं, आपने शायद अच्छे से समझ लिया होगा कि यहां पर दो हमने आपको थ्योरम बताई और दोनों थ्योरमों का एक ही साथ यूज होना है। ठीक है, और हर प्रश्न में जहां भी बेज थ्योरम आपका अप्लाई होगा वहां पर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज का जरूर अप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो अपॉन में लिखा जाता है वो आपका संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय का ही हल है ये मानो। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हो गया एग्जाम्पल और इसके बाद में अब मेरे ख्याल से बाकी एग्जाम्पल आप स्वयं करेंगे। अब हम उठाते हैं एक्सरसाइज के सारे प्रश्न। तो पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें लिखा है एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदे हैं, यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है और पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद अब निकाली जा रही है बाद में फिर से, तो दूसरी गेंद जो निकाली गई है वो लाल रंग की हो, उसकी क्या प्रायिकता है ये पूछा गया है। देखिए थोड़ा अपने शब्दों में कहें, एक कलश है और उस कलश में कुछ लाल और कुछ, देखो 5 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं, उसमें से क्या किया गया है रैंडम हाथ डाल के एक बॉल निकाली गई, तो वो तो निश्चित रूप से 2 ही कलर की बॉलें हैं, तो या तो वो लाल कलर की होती होगी या वो निकाली गई गेंद काली कलर की होगी, ये पक्का बात है ना। अगर निकाली गई बॉल मान लो थोड़ी देर के लिए लाल कलर की है तो हमने लाल देख लिया और उसको उसी कलश में डाल दिया और साथ ही साथ 2 बॉलें उसी कलर की मानी लाल ही कलर की और उसी में डाल दी, या हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि काली गेंद निकल के आए, हमने देख लिया कि काली कलर की है और फिर उस बॉल को उसमें डाल दिया और 2 अतिरिक्त काली गेंदें और उसी में डाल दी और फिर उसमें से अब क्या हुआ आगे, फिर उसमें से जब उसी कलर की दो बॉलें और उसमें डाल दी, फिर उसमें से हमने एक बॉल निकाली और वो निकाली गई गेंद लाल कलर की हो, तो उसकी क्या प्रायिकता है? देखिए यहां पर रिवर्स प्रोबेबिलिटी की कोई बात नहीं है क्योंकि यहां पर हमें कारण नहीं पूछा गया है कि जो निकाली गई गेंद किस कारण से वो लाल कलर की प्राप्त हो रही है, ऐसा हमसे
नहीं कहा गया है, इसका मतलब ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से लगेगा, मतलब संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से लगेगा। देखो हम थोड़ा हमने बताया कि सारे सवाल हम कोशिश करेंगे कि डायग्राम से बनाने की, और डायग्राम बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर हमें कैसे कैसे करना है। अभी हमने जो एग्जाम्पल बताया बिल्कुल उसी प्रकार से हम ऐसे इसको भी देखो ऐसे समझ लेते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक ये कलश है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक कलश है, और इस कलश में 5 बॉल हैं, वो लाल कलर की हैं, यहां लिख देते हैं 5 रेड कलर की बॉल हैं, और इसी प्रकार से ये 5 बॉल आपकी ब्लैक कलर की है। ठीक, यहां पर 5 लाल और 5 काली बॉल हैं, और इसमें हुआ ये, अब देखो यहां पर दो केस बनेंगे, यहां से इसमें से हमने एक बॉल निकाली, हो सकता है कि वो लाल कलर की निकली हो या हो सकता है वो ब्लैक कलर की निकली हो, इन दोनों में से कोई एक निकलेगी। तो थोड़ी देर के लिए हम यहां पर दो केस मान लेते हैं, केस नंबर एक यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा समझने की है बात भाई, थोड़ा अजीब सा सवाल है, समझे बहुत ध्यान से, समझ में आ जाएगा, कतई परेशान ना हो। केस नंबर एक ये है, मान लेते हैं कि यहां से हमने यहां से रेड बॉल निकली, पहले नंबर पे जो हमने बॉल निकाली वो रेड कलर की बॉल है, तो अब क्या करते हैं हम, रेड कलर की है हमने देख लिया रेड है, फिर उसको उसी में डाल दिया, तो वो 5 की 5 फिर हो गई, 5 रेड थी, 5 की 5 फिर रेड हो गई, लेकिन 2 रेड उसमें और हमने डाल दी, प्रश्न कह रहा है। तो यहां पर अब हम इस कंडीशन में इस कलश को इस प्रकार बना सकते हैं कि अब कलश में जब लाल गेंद निकली है तो उस लाल कलर की अब बॉलें हो गई कितनी, 5 की 5 तो पहले से हो गई थी, अब 2 और डाल दी, तो 7 बॉलें हमारी अब ये हो गई रेड कलर की, और ये ब्लैक वाली जो थी वो उनसे हमने कुछ किया नहीं है, वो तो आपकी 5 है तो 5 रहेंगी। ठीक, या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे वाले केस में अगर हम ये मानते हैं कि निकाली गई बॉल ब्लैक कलर की मान लो निकली, हमने देख लिया ब्लैक है, तो भैया ब्लैक वाली फिर उसमें डाल दी, और 2 साथ साथ में उसमें और हमने ब्लैक वाली बॉल डाल दी, तो अब कंडीशन इस प्रकार की देखो कलश की बन जाएगी, यहां पर रेड जो थी वो 5 है, 5 बनी रहेंगी, लेकिन ब्लैक 5 की अब 7 हो जाएंगी, क्योंकि ब्लैक निकाली 4 रह गई थी लेकिन वो फिर उसमें डाल दी तो 5 हो गई, और 2 ब्लैक बॉल और उसमें डाल दी, तो हम कह सकते हैं कि अब ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, ब्लैक बॉलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। यहां पर देखिए 2 घटनाएं हो गई, एक पहली वाले केस में यहां पर 7 बॉलें रेड हो गई और 5 बॉलें हमारी ब्लैक हो गई, जबकि दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि 5 बॉलें रेड की हैं और 7 बॉलें ब्लैक कलर की हैं। ठीक, अब देखिए समझते हैं, अब इन कलश में से, कलश तो वही है एक, लेकिन केस 2 बन गए हमारी, तो यहां से इन दोनों जगह से हमें पहुंचना है कहां पर, निकाली गई गेंद लाल कलर की मिले उसकी क्या प्रायिकता है, यह हमें बताना है। देखिए इन दोनों रास्तों से हम मिलते हुए एक यहां पर पहुंच गए जहां पर हमें क्या लेना, क्या पकड़ना है, लाल बॉल मिले इसकी क्या प्रायिकता है, यह आपसे पूछा गया। तो हमने मान लिया कि घटना कोई ए है जिसमें हमें लाल बॉल मिल रही है, तो लाल बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि लाल गेंद मिले, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमें पूछी गई है, ऐसे माने। तो देखिए समझे बहुत ध्यान से, पहले सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि ये आप केस नंबर 1 में अगर हम इसका नाम E1 घटना दे दें, केस नंबर 2 इसकी घटना को हम E2 नाम दे दें, तो ये हुआ मान लो पहले वाले केस में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ PE1 बराबर, मतलब लाल गेंद आए उसकी क्या प्रायिकता है। तो इस वाले कलश से लाल बॉल आए उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान दें इसमें से नहीं देखना है, वो तो हमने जब केस बनाए तब आपकी ये कंडीशन बनी, लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 5 आपके फेवरेट केस हैं, मतलब 5 आपकी रेड बॉल हैं और टोटल बॉल हैं कितने, 5 5 10, तो हम कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक, और इसी प्रकार ये दूसरा जो केस है उसमें से अगर हम मान लेते हैं ब्लैक बॉल निकली है, तो ब्लैक बॉल निकालने की इसको हमने PE2 यहां नाम दिया है, PE2 बराबर भी वही कंडीशन, ब्लैक बॉल है 5 और टोटल बॉल है 10, तो 5/10 बराबर 1/2 यहां लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए सामने, इसके बाद में हमने केस नंबर 1 को तो चुन लिया कि केस नंबर 1 से हमें रेड पर पहुंचना है, तो केस नंबर 1 से अगर हमें रेड पर पहुंचना है तो रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, जबकि घटना E1 है हमारी घटित हो चुकी है, मतलब इस वाले रास्ते से हमें रेड बॉल तक पहुंचना है, तो PE1 घटित हो चुकी है, जबकि एक घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है।
बात आ रही समझ में? तो अब आप यहां देखिए पी ए बाई ई वन की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब लाल बॉल लेने मिले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, लाल गेंदें हैं कितनी, सात हैं और टोटल बॉलें कितनी हैं, सात और पांच बारह, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सात बटे बारह। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार केस नंबर दूसरे से अगर हम लाल बॉल पर पहुंचे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान दें केस नंबर टू ये है, इस केस नंबर टू की घटना हो चुकी है, मतलब केस नंबर टू से हमने ये ए बॉल पर पहुंचना है, तो और कहां पर पहुंचना है ए पर, तो आपको लिखना है पी ए अपॉन ई टू का मान कितना निकल आएगा। देखिए ध्यान से, आपको यहां पर पांच बॉलें मिल रही हैं लाल कलर की और टोटल बॉलें हैं सात और पांच बारह, तो यहां लिख देते हैं सात बटे में बारह। ठीक है, अब हमें कहां क्या करना है, ये हमें निकालना है लाल गेंद मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये ज्ञात करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए वही हमने बताया कि आपको इस रास्ते से पहुंचे प्लस इस रास्ते से पहुंचे, दोनों रास्तों को यहां पर ऐड कर दें तो आपके ए पर पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा, मतलब ए पर पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्ञात हो जाएगी। तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन प्लस, इसको भी इसी प्रकार कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, और बस इनका हम मान लिखेंगे, हमें मिल जाएगा पी ए की वैल्यू। ठीक है, जो कि हमसे पूछी गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई वन बराबर है हमारे पास वन अपॉन टू इंटू में आपको लिखना है सात बटे में बारह, और प्लस इसको लिखना है एक बटे दो इंटू में पांच बटे में बारह। ठीक, इसको कैलकुलेट करें आंसर आ जाएगा। देखिए सात एकम सात बटे में सात दूनी चौदह लिख दें, प्लस ये पांच बटे में चौबीस लिख दें। ठीक है ना, फिर से एक बार, सात एकम सात और बारह दूनी चौबीस और प्लस पांच एकम पांच और बारह दूनी चौबीस, तो यहां पर सात पांच बारह हो जाएगा, बारह बटे चौबीस और बराबर लिख देते हैं एक बटे दो। ठीक है, तो लाल गेंद मिले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वन बाई टू। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो भाई, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार कोई समस्या लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आ रहा है, सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो अभी हमने जो आपको एग्जाम्पल एक बताया है उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें लिखा है एक थैले में पांच लाल और चार काली गेंदे हैं, पहला एक थैला है इसमें चार लाल और चार काली गेंदे हैं, जबकि एक अन्य दूसरा थैला है उसमें दो लाल और छह काली गेंदे हैं। दोनों थैलों में से एक को यदृच्छा चुना जाता है, पहले एक थैला चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है, देख लिया कि वो लाल रंग की है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पहले वाले थैले से निकाली गई है, इसकी क्या प्रायिकता है। देखिए अभी आपको याद करना है कि अभी हमने जो आपको एक एग्जाम्पल लेके जब थ्योरम समझाई थी तब एक एग्जाम्पल लिया था, और उस एग्जाम्पल में हमने ये बताया था कि वो लाल गेंद की गेंद लाल कलर की गेंद हो लेकिन वो सेकंड वाले थैले से निकाली गई हो, और यहां पर पूछा गया है कि लाल कलर की गेंद है लेकिन वो गेंद पहले वाले थैले से निकाली गई है, बस इतना फर्क है। देखिए हमने बताया आपको कि हम सारे प्रश्नों को मोस्टली डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर भी हम उसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास दो थैले हैं, पहला थैला हम माने E1 घटना है और पहले दूसरे थैले को चुनने की घटना E2 घटना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से हम पहुंचते हैं और कहां तक पहुंचते हैं, लाल गेंद मिले उसकी क्या प्रायिकता है, और वो भी सेकंड वाले थैले से लाल गेंद प्राप्त होती है उसकी क्या प्रायिकता है, आपसे ये पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं कि यहां तक हम पहुंचे ए बिंदु तक, मतलब ए पॉइंट है, ए क्या है, ए वो है, वो घटना है जिसमें कि लाल कलर की गेंद मिले, वो घटना ए घटना है। ठीक है ना, यहां से देखिए पहले वाले थैले से लाल कलर की बॉल मिल सकती है, दूसरे वाले थैले से भी लाल कलर की गेंद मिल सकती है, तो इन दोनों रास्ताओं से लाल कलर की गेंद मिले इसकी क्या प्रायिकता है, जबकि एक सवाल में जो कंडीशन लगा दी गई है वो ये है कि वो लाल कलर की गेंद जो मिलती है वो थैला E2 से मिले तो उसकी क्या प्रायिकता है, आपसे ये प्रश्न में पूछा गया। तो देखिए एक बात समझे बहुत ध्यान से, सबसे पहले आपको देखो इस प्रकार से समझना है, यहां पर हम एक दो बॉक्स बना देते हैं, एक बॉक्स है हमारे पास कोई ये मान लेते हैं, पहला बॉक्स ये,
और ये आपका एक दूसरा बॉक्स है, ठीक है। पहले में यहां पर चार बॉल हैं लाल कलर की, जबकि चार ही बॉल हैं ये ब्लैक कलर की। इसके बाद एक अन्य दूसरा थैला है, ये बॉक्स ना कहें थैला कह दिया है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो यहां पर एक दूसरा थैला है, उसमें लाल कलर की हैं दो बॉल, मतलब दो बॉल हैं रेड, और इसके बाद में छह बॉल हैं आपकी, छह बॉल हैं वो हैं ब्लैक, ठीक है। अब देखो क्या करता है सवाल, इसमें से दोनों में से किसी एक थैले को चुनना है, दोनों में से। यहां पर थोड़ा नजदीक फिगर बनाएंगे, चलो यहां से इसको रब कर दें। इन दोनों में से देखो किसी एक थैले को पहले चुनना है, और फिर थैले को चुनने के बाद इसमें से लाल गेंद आए उसकी, और इसमें से भी लाल गेंद आ सकती है, इन दोनों में से दो रास्ते हैं आपके पास लाल गेंद के चुनने की। तो यहां पर लाल गेंद के चुनने के लिए यहां पर लिख देते हैं उसकी घटना कोई ए है, लाल गेंद चुनने की घटना कोई ए है, यहां पर लाल लिख दें, है ना, लाल गेंद चुनने की घटना है। तो यहां से देखिए ध्यान दें, एक घटना कोई ईवन इसको मान लेते हैं, ये घटना है ई टू, ईवन घटना है पहले वाले बैग के चुनने की घटना, ई टू घटना है दूसरे वाले बैग के चुनने की घटना। तो ये बैग जब चुने जाएंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई वन बराबर सीधा सीधा वही लिखना है, दो बैग हैं उनमें से पहला बैग चुना तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन बाई टू हो जाएगी, और बिल्कुल उसी प्रकार से दूसरा बैग जब हम चुनेंगे तो उसके चुनने की भी प्रोबेबिलिटी वन बाई टू हो जाएगी। अब देखिए इस पहले वाले बैग से लाल कलर की गेंद मिले उसकी हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, जबकि ये लाल गेंद कहां से आए, ईवन मतलब ईवन घटना घट चुकी हो तब घटना ए के घटने की प्रायिकता आपसे पूछी जाए अगर, तो क्या करोगे, यहां से लाल बॉल निकालने की प्रायिकता हो जाएगी कितनी, चार बटे में आठ। देखो टोटल बॉल है आठ और ये फेवरेट केस कितने हैं, चार हैं, तो आपको लिखना है चार बटे आठ, और चार बटे आठ बराबर कितना होता है, एक बटे दो। फिर इसी प्रकार देखो यहां पर आ जाओ, यहां पर भी वही बात समझनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन ई टू हमारी घट चुकी है, जबकि ए हमें घटना ए के घटने की प्रायिकता, मतलब लाल गेंद आने की प्रायिकता बताइए, जबकि वो बॉल ई टू से, ई टू घटना मतलब सेकेंड वाले बॉल थैले से वो बॉल आई हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। फिर से एक बार समझें, लाल गेंद मिले हमें उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि वो घटना ई टू हमारी घटित हो चुकी, मतलब सेकेंड वाला बैग हमने चूज कर लिया है, ठीक है ना, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहां पर देखो फेवरेट केस कितने हैं, दो, मतलब लाल गेंद कितनी है, दो, और टोटल बॉल हमारी छह और दो आठ लिख देते हैं, यहां पर इसको लिख दें वन अपॉन टू, ठीक है, सॉरी वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर। अब इसके बाद में आपसे पूछा क्या गया है, देखो बहुत ध्यान से समझना है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करिए कि वह गेंद पहले वाले थैले से निकाली गई हो, मतलब पहले वाले थैले से निकाली गई गेंद हो, और वो देखो ध्यान दें पहले वाले थैले से, मतलब ईवन घटना की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, जबकि लाल गेंद हमने देख ली है, मतलब लाल गेंद का मतलब ए, घटना ए घटित हो चुकी है, जबकि वह घटना कहां से घटित हुई हो, पहले वाले थैले को चुनने से जो घटना हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, मतलब ईवन घटना की प्रोबेबिलिटी जबकि ए घटना घटित हो चुकी है, ये हमसे पूछा गया है, ये इस तरीके, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन बाई ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहां पर देखो ब्रेज थ्योरम लगा देते हैं, ब्रेज थ्योरम होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन बाई ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो काम वही करना होता है। देखो क्या, यहां से आपको लिखना है पी ई वन इंटू में पी ए बाई ई वन और अपॉन में, अब हमें क्या लिखना होता है, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से यहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी यहां लिखनी होती है, तो यहां लिख देते हैं पी ई वन इंटू में पी ए बाई ई वन और प्लस में लिख देते हैं पी ई टू और इंटू में पी ए बाई ई टू, ठीक है, बस इसको यहां पर मान पुटअप करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो पी ई वन की वैल्यू हम लिखेंगे 1/2 इंटू में, इसकी भी वैल्यू देखो 1/2 है, प्लस नीचे प्लस का निशान
नीचे देखो क्या लिखोगे, नीचे आपको लिखना है वही बिल्कुल सेम लिखना होता है 1/2 × 1/2 प्लस PE2 की वैल्यू है 1/2 और इंटू में यहां लिखना है 1/4। ठीक है, तो इसमें यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा 1/4 और ये भी आपका हो जाएगा कितना 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, तो 1/4 और इंटू में ये अपॉन में जो आएगा उसको हम लिख देते हैं 8 एलसीएम लिख दें और यहां 2 + 1 तो ये 3 हो जाएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाए। ठीक है, क्लियर। तो याद रखना है देखो, सबसे पहला काम क्या करना होता है कि यहां पर हमें ये डायग्राम बहुत सोच समझ के बनाना है, जैसा प्रश्न कहता जाए वैसा हम करते जाएंगे। तो निश्चित रूप से ना आपको बहुत ज्यादा थ्योरम का कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना है और ना ही कुछ करना है, बस सिर्फ और सिर्फ ये आपको समझ लेना है कि क्या हमें दिया गया है और क्या पूछा गया है। ठीक है, तो लगभग ऐसे बहुत ढेर सारे प्रश्न इसी एक्सरसाइज में आपको मिलने वाले हैं, तो बहुत तसल्ली वक्त आपको एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।